हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 6 व 7 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ प्रभा सब्जी इंग्लिश की वर्कबुक के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारी वर्शिज़ के सॉल्यूशन देख लिए हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए देखेंगे वर्शिज 47 से कंटिन्यू। सबसे पहले वर्शिज 47 का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें है रीड द गिवन पोस्टर और फॉर बर्थडे सेलिब्रेशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए बर्थडे सेलिब्रेशन का एक पोस्टर गिवन है, जिससे आपको अच्छे से देखना है। January 22, 2018 का है ये। प्रियाज रेस्टोरेंट नाम लिख रखा है, जहाँ पर धमाका कॉम्प्लेक्स जयपुर सिटी जो एड्रेस है वो दे रखा है। तो यहाँ पर किरण का 10th बर्थडे पे इनवाइटेड है आप सभी, उसी के लिए यहाँ पर बर्थडे का ये पोस्ट कर रखा है, यानी कि पोस्टर है। तो व्हाट इज़ द डेट ऑफ द बर्थडे, तो बर्थडे की डेट क्या है यहाँ पर, यहाँ पर है January 22। फिल इन द ब्लैंक, यू डू नॉट हैव टू ब्रिंग गिफ्ट टू द पार्टी। यहाँ पर आपको गिफ्ट नहीं लाने के लिए कहा है पार्टी में, तो डू नॉट ब्रिंग गिफ्ट टू द पार्टी यहाँ पर लिखेंगे। हुज़ बर्थडे इज़ इट, किसका बर्थडे है, किरण का। व्हाट इन्फॉर्मेशन इज़ मिसिंग इन द कार्ड, क्या इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। द टाइम ऑफ द पार्टी, देखिए यहाँ पर कहीं भी टाइम नहीं दे रखा है इस पोस्टर में, तो ये जो है मिसिंग है। तो ये डन होता है किसी भी चीज़ को देख करके, किसी भी पोस्टर है या आपका विज्ञापन, किसी भी देख कर उसको देख करके आप किस तरह से क्वेश्चन के आंसर कर पाते हैं, तो ये यहाँ पर देखना था। तो ये वर्कशीट 47 का सॉल्यूशन होता है डन। अब देखेंगे वर्कशीट 48, जिसमें है रिसाइट द गिवन राइम एंड विद योर हैंड्स फ्रेंड्स एंड एक्सटेंड इन द इट इन द गिवन स्पेस। आपको क्या करना है, रिसाइट करना है राइम को आपके फ्रेंड्स के साथ और एक्सटेंड करना है गिवन स्पेस में इस राइम को। कम टू माई गार्डन, वट डू यू सी, आई सी अ बिग फ्लावर अ स्मॉल फ्लावर ब्लूमिंग ब्लूमिंग ला 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 ला। तो यहाँ पर देखिए दो फ्लावर दिखाई दे रहे हैं मेरे गार्डन में, जो कि एक बिग फ्लावर और एक स्मॉल फ्लावर, तो ये एक राइम है। नाउ डिस्कस विद योर फ्रेंड इन पेयर एंड एक्सटेंड द सेम राइम ऑन जंगल, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर टीचर। आपको इसी तरह से अपने फ्रेंड के साथ में एक जंगल राइम बनानी है, इसी जैसे ये बना रखी है इसी तरह से। तो यहाँ पर गार्डन बोला गया था, तो अब लिखेंगे हम कम टू माई जंगल, वॉट टू यू सी, आई सी अ बिग ट्री अ स्मॉल प्लांट्स ब्लूमिंग ब्लूमिंग ला 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 ला। कम टू माई जंगल, वॉट डू यू सी, आई सी अ बिग ट्री अ स्मॉल प्लांट ब्लूमिंग ब्लूमिंग ला ला ला। तो यहाँ पर आपको डिस्कस करना था फ्रेंड के साथ में और पेयर करना था सेम राइम को जंगल के साथ, और यहाँ पर आपको लिख देना था, और इसी तरह से यहाँ पर पिक्चर में भी आपको ये बना देना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये राइम होती है डन। अब देखते हैं वर्कशीट 49, जिसमें है चूज द करेक्ट वर्ड एंड कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। आपको कंप्लीट करना है सेंटेंस को वर्ड्स एप्रोप्रिएट का यूज़ करके, ठीक है। मानव विल बी गोइंग टू जयपुर नेक्स्ट, क्या होगा ईयर, एक ईयर होता है कान, एक ईयर होता है साल। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये क्या है, वर्ड तो एक जैसे दिख रहे हैं बोलने में, बट दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो यहाँ पर ईयर सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा, मानव विल बी गोइंग टू जयपुर नेक्स्ट ईयर, अगले साल जाएगा मानव जयपुर। दिस प्लेट इज़ फॉर यू, ये तुम्हारे लिए, एक होता है फोर, एक होता है फोर, एक होता है चार जिसका संख्या में अर्थ होता है चार, और एक होता है के लिए, ये प्लेट तुम्हारे लिए है। आई विल राइट एन ऐसे, एक होता है राइट दायां और एक होता है राइट लिखना, तो यहाँ लिखेंगे लिखने के लिए, मैं लिखूँगा एक ऐसे, एक निबंध लिखूँगा। आई विल सी यू टुमारो, मैं तुम्हें कल मिलता हूँ, तो यहाँ पर एक होता है सी समुद्र और एक होता है देखना सी। आई नीड टू बाय अ प्रेजेंट टू माई फ्रेंड, एक होता है बाय खरीदना प्रेजेंट मेरी फ्रेंड के लिए, मुझे आवश्यकता है एक गिफ्ट की मेरे फ्रेंड के लिए खरीदने के लिए, ठीक है खरीदना। तो यहाँ पर देखिए एक होता है बाय खरीदना और एक होता है बाबा, आप किसी को भी सी ऑफ करते हैं तो आप बोलते हैं बाबा, ठीक है। टाइटेनिक वाज अ बिग शिप, एक टाइटेनिक जो है वो बड़ा सा जहाज था। एक होता है शिप, एक होता है शिप, शिप यानी जो भेड़ होती है उसको बोलते हैं, और शिप होता है जहाज। अनिल लव्ड हिज सन सो मच, अनिल अपने बेटे से बहुत प्यार करता है, तो एक होता है सन सूर्य, एक होता है सन पुत्र। आई बॉट दीज शूज़ फ्रॉम अ सेल, मैंने ये जो शूज़ हैं वो सेल से खरीदे। एक होता है सेल बेचना और एक होता है सेल जो लगी होती है, जैसे 50% डिस्काउंट वाली सेल लगी होती है तो वो होता है सेल, ठीक है, जिसमें डिस्काउंट मिलता है, छूट मिलती है। आई लाइक ब्लू कलर, मुझे ब्लू कलर पसंद है, एक होता है ब्लू और एक होता है ब्लू। नेक्स्ट वी सेलिब्रेट दिवाली एंड ईद टू, हम सेलिब्रेट करते दिवाली और ईद दोनों को, तो यहाँ पर एक होता है टू,
ठीक है, बहुत ज़्यादा वेरी के लिए यूज़ करते हैं, वेरी टू, है ना, और एक होता है टू जो कंजक्शन के तौर पर यूज़ आता है। तो इसी तरह से आपको आगे भी देखना है, जैसे सेल में सेल है, इसी तरह से सेल सेल हो गया, इसी तरह से सी सी, ईयर ईयर, फोर फोर, राइट राइट, बाय बाय, शिप शिप, सन सन, सेल सेल, इसी तरह से ब्लू ब्लू लिख देंगे, टू टू लिख देंगे। तो सम मोर वर्ड्स आपको यहाँ पर लिखने थे तो आप यूज़ कर सकते हैं राइमिंग वर्ड्स को यहाँ पर। तो ये डन होता है वर्कशीट 49 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे वर्कशीट 50, जिसमें आपको लिखना है थिंक अबाउट योर होम एंड राइट द नेम ऑफ थिंग्स यू सी इन योर होम एंड ड्रॉ पिक्चर ऑफ योर होम। आपको अपने घर के बारे में सोचना और घर के अंदर जो चीज़ें दिखाई देती हैं उसके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पर एक देखिए मैंने घर की पिक्चर बनाई है, आप बहुत सुंदर सी पिक्चर बना सकते हैं, और मैंने रफली पिक्चर बनाई है, आप बहुत सुंदर सी पिक्चर बनाएं, उसमें कलर करें, देन आप बताएं कि आपके घर में क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे मेरे घर पर है टीवी, म्यूजिक सिस्टम, स्पीकर, रेफ्रिजरेटर, फ़ैन, कूलर, गैस सिलेंडर, ट्यूबलाइट बल्ब, स्विंग मशीन, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, एसी। तो जो भी आप ये चीज़ें देखते हैं अपने घर में, एक गाड़ी है, कार है, तो आप जो भी चीज़ें आपके घर में देखते हैं वो आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये डन होता है। अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस मेक करने कि देयर इज़ अ बाइक इन माई होम, मेरे घर पर एक बाइक है। देयर आर बेड्स इन माई होम, मेरे घर पर जो है पलंग रखे हुए हैं। देयर इज़ अ टीवी इन माई होम, यहाँ पर एक टीवी है। देयर इज़ आर स्पीकर्स इन माई होम, मेरे घर पर स्पीकर्स हैं। देयर इज़ अ रेफ्रिजरेटर इन माई होम, रेफ्रिजरेटर एंड फ्रीज रखा हुआ है मेरे घर पर। देयर आर फैंस इन माई होम, फैंस है, पंखे हैं मेरे घर पर। देयर आर ट्यूबलाइट्स इन माई होम, ट्यूबलाइट्स हैं मेरे घर पर। देयर इज़ अ वॉशिंग मशीन इन माई होम, यहाँ पर मैं एक वॉशिंग मशीन है मेरे घर पर। तो यहाँ पर इस तरह से आपको सेंटेंस भी मेक करने थे। तो ये डन होता है वर्कशीट 50, साथ ही देखा वर्कशीट 49, 48, 47 के सॉल्यूशन। तो इसी तरह डन होते हैं ये वर्कशीट के सॉल्यूशन। इसी तरह आप आगे की वर्कशीट के सॉल्यूशन भी देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड देखेंगे। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।